Hey guys, back this whole update and tournament video. So आज BMPS का week 2 का day 2 है. तो week 2 के day 2 के Seoul के match 2 में जो कि weekend का map था. तो weekend का map में Seoul versus Hyderabad Hatteras की drop fight होती है, जिसमें Seoul अक्सर ने like OP 1v4 किया Hyderabad Hatteras को. तो वो 1v4 आप आगे देख सकते हो. एंड उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, आपको ऐसे Seoul का तोड़फोड़ वीडियो एंड अपडेट वीडियो मिलता रहेगा. तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत. एंड आप चलते हो Seoul अक्सर के 1v4 की तरफ. Classic. What? Well, circle तो बहुत अच्छा है, बट अभी के लिए drop clash की आप मांग कर रहे थे, लीजिए drop clash आपके सामने. Team Seoul का मुकाबला अब Team Hyderabad Hatteras से, और सबसे जरूरी ये match इसलिए भी बन जाता है because ये दोनों टीमें अभी के लिए आपको zone के अंदर देखने को मिलती है, और जो टीम यहाँ पे जीतेगी उसको फायदा मिलेगा. बट Goblin ऊपर में जाने की गलती करी, knock on constantly कर दिया जाता है. Hyderabad Hatteras के स्ट्राइकर पहला फ्राग निकाल सकते हैं, बट Goblin के रिवाइवल उनको मिलेगा मुश्किल जरूर है. बट रीलोड पे यहाँ पे उनकी गन चली जाती है. ये एक मौका देगा Goblin को कवर में जाने का, बाकी जाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन Goblin पहली कैजुअलिटी बनते हुए इस वीकेंड के मैच की. कल के दिन जो मैप है वो खाली, पर टीम सोल वर्सेस हैदराबाद हाइड्रास एक बार फिर से इनिशिएट होता हुआ. हेक्टर का वापस प्ले जाएगा, जो बदला है वो यहां पर लेने की कोशिश की जा रही है टीम सोल की साइड. तेज ब्लैक पीछे से आएंगे, एक बड़ी चुनौती जरूर से रहने वाली है उनके लिए, क्योंकि उनकी पोजिशन जब रिवी का लेकर के जाने की कोशिश, स्पॉट करके डाउन किए जाएंगे अक्षत के द्वारा. हैदराबाद हाइड्रास एक एक करके बिखरते हुए, एंड टीम सोल एक बार फिर से बेहतर स्पॉट में. वेल, बिल्कुल बेहतर स्पॉट में तो जरूर गया, बट देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या रिवेंज को कंप्लीट कर पाते हैं. अभी के लिए अक्षत आगे जाते हैं, वो रिवेंज मेरे ख्याल से जो एक फिनिश का था वो तो कंप्लीट कर लिया गया, बट अभी भी एक 3v3 का प्योर बैटल आपको देखने को मिलने वाला है. सामने अगर बात की जाए, मैक्सी आ चुका है, टीपी एडवांटेज जरूर लेते हैं आपको नजर आ जाएंगे, बट स्ट्राइकर एक बेहतरीन एडवांटेज उनके पास भी, पीक लेके वो बैठे थे बट इतना ज्यादा फायदा उसका नहीं मिला. बट क्या उनकी पोजीशन रिवील है, ये भी एक सवाल बनता है. बट मैक्सी जो यहाँ पे टीपीपी ले रहे थे उनको नॉक करा जाता है. अब हैदराबाद हाइड्रास थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर जाएगा. स्ट्राइकर पोजीशन उनकी भी अच्छी है, बट ये नीड है ओमेगा का, क्या कनेक्शन ढूंढ पाएगा, जरूर करा है, सही जगह पे जाएगा या नहीं, कि नहीं, थोड़ा सा डैमेज यहाँ पे जरूर दिया बट वो नॉक नहीं निकला. एक मोलोटोव भी वहां पर जाएगा, बट वहीं अगर हैदराबाद हाइड्रास की कैरी की बात की जाए, एचपी उनके पास बिल्कुल भी नहीं. बहुत ज्यादा मुश्किल में टीम हैदराबाद हाइड्रास, एक 2v3 का सिनेरियो यहां पर बन चुका है. देखना पड़ेगा क्या उनका कमबैक यहां से पॉसिबल है. वहीं अगर बात करें अक्षत की, दोनों फिनिशर दोनों ने निकाले हैं अभी के लिए, आगे की तरफ वो बढ़ना जरूर से चाहेंगे, बट क्या एक ऑफ गार्ड एंगल का क्रिएशन यहां पर हो पाएगा. स्ट्राइकर की बात करें, पोजीशन की रिवील्ड है ओमेगा, एग्जैक्टली वही चीज करने के लिए जा रहे हैं. एक ऑफ गार्ड एंगल अगर वो क्रिएट करते हैं, स्ट्राइकर की मुश्किलें वहां से बढ़ाई जा सकती है. बट स्ट्राइकर चतुर और चालाक, वो भी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे. UP50 वर्सेस आर ईस्पोर्ट्स, एक फाइट वहां पर भी इनिशिएट हो जाएगी, जहां पर आर ईस्पोर्ट्स थोड़ा बैकफुट पर देखने को मिल जाएंगे. देखते हैं कि क्या वहां पर जो रिवाइवल्स है वो पॉसिबल होने वाले हैं. बट अक्षत, क्या जंप एंड पंच का जो इस्तेमाल है वो भी हमें देखने को मिल सकता है. एक बार फिर से जो स्टेलमेट सिचुएशन है वो हमें यहाँ देखने को मिलते हुए, स्ट्राइकर अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं. एक तरफ से फ्लैंक आ रहा है, दूसरी तरफ से काउंटर फ्लैंक, और ये दोनों ही टीमें अभी भी एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब. देखिए यहाँ पे हैदराबाद हाइड्रास की मुश्किलें ज्यादा हैं. अगर आप कैरी की तरफ नजर डालेंगे, उनके पास कोई यूटिलिटी इतनी खास बची नहीं है, ना उनके पास हेलमेट है, ना उनके पास कोई हीलिंग्स यहाँ पे. तो अगर वो डैमेज लेते हैं, मैंने नाम लिया हीलिंग्स का, उनको दीजिए एक फर्स्ट एड यहाँ पे दोपहर में मिल जाती है. बट अभी भी अगर वो डैमेज लेते हैं उनका हेल्प बिना हेलमेट के, तो काफी ज्यादा डैमेज उनको मिलेगा. नॉक अगर हो जाती है यहाँ पे टीम हैदराबाद हाइड्रास के कोई भी प्लेयर, तो खत्म होने के कगार पर आ जाएंगे. दैट इज वाई इतना ज्यादा पेशेंस दिखाया जा रहा है उनकी तरफ से. ये पेशेंस बहुत जरूरी था, और अभी के लिए टीपीपी एडवांटेज अगर वो सही से इस्तेमाल करते हैं तो का फायदा भी उनको जरूर मिलेगा. बट ये जो नेड है आएगा सही जगह पे, अक्षत का नेड आएगा, कैरी को ढूंढा जाएगा. स्ट्राइकर नाउ इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग. देखते हैं क्या स्ट्राइकर यहां पे एक मैजिकल मिस्टिकल क्लच कर सकते हैं या नहीं. बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन अभी के लिए हैदराबाद हाइड्रास के लिए. स्ट्राइकर वहां पर बचे जरूर से, और उनकी जो पोजीशन है वो पूरी तरीके से रिवील्ड है. काफी मुश्किल रहेगा यहां पर बच के निकल पाना, और अब तो उन्होंने फुटस्टेप दे दिया. अक्षत वहां पर आएंगे, क्या वो एक 1v4 था? जी हां, अक्षत वहां पर 1v4 करके जाएंगे. इनफैक्ट दैट वाज अ 4k कमिंग अप फ्रॉम अक्षत, एंड पूरी हैदराबाद हाइड्रास को यहां पर एलिमिनेट कर रहा है पहला घाट. तो कैसा लगा आपको Seoul अक्षत का ये 1v4 हैदराबाद हैड्रेस, मुझे कमेंट करके बताना. तो बस आज के वीडियो को बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Seoul के अपडेट एंड तोड़फोड़ के साथ. तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग, बाय.